थोड़ा साइड में हो रहा है इधर। नहीं ठीक है जी, हम थोड़ा देखेंगे। कोई बात नहीं, मैं तो देखूं। कोई अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? सिक्योरिटी इक्विपमेंट, सिक्योरिटी गार्डस, सिक्योरिटी गार्ड इक्विपमेंट। इक्विपमेंट किसको हम कहते हैं? कच्चे माल है। हाँ हाँ हाँ, देखिए आज हमें इन चीज में बात कर रहे हैं जो हमें जिनकी हमें नीड है, ठीक है ना। एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए? मेन का थोड़ा समझ आ रही मेरी बात? एक सिक्योरिटी गार्ड के पास क्या क्या चीज होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एक सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी करने के लिए अगर किसी को गार्ड को हम किसी भी जगह हायर करेंगे, ठीक है ना, लाइक मॉल, होटल, हॉस्पिटल, कहीं वट एवर, पार्किंग या किसी भी इंडस्ट्रीज में, लेकिन उसके लिए क्या क्या चीज होना चाहिए एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए फर्स्ट आलम। और हमें यह भी पता होना चाहिए कितना टिप्स होना चाहिए, ठीक है ना, कितना आइटम होना चाहिए हमारा पास, ठीक है ना। कम से कम 10, कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 15, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन सा चीज होना चाहिए? वॉकी टॉकी। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉकी टॉकी, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉकी टॉकी हम किसको क्या थे? जिससे रात तो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट। अगर किसी जगह कल की डेट में हमारा ट्रांसफर या हमारा पोस्टिंग जिसको हम कहते हैं, यहाँ किसी जगह पे हमने किसी गार्ड को हायर किया, फॉर एग्जांपल उस जगह पे जहां पे नेटवर्क सिस्टम नहीं है, उस जगह में कौन सा चीज काम में आएंगे? कौन सा? क्यों? क्योंकि हम वॉकी टॉकी थ्रू हम एक पोस्ट से लेकर दूसरे पोस्ट तक खबर पहुंचा सकते हैं, मैसेज जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो कौन सा है? वॉकी टॉकी, ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड इन वन इंटरकॉम, सेकंड इन वन इंटरकॉम हम किसको कहते हैं? हाँ, मेरे टेलर के पास है लैंडलाइन, गुड, ये जिसको हम बिल कहते हैं, ठीक है ना। लामाज ये हमारे पास वहां पे होना चाहिए, ठीक है। तीसरा विसल, जिसे हम किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम किसी को ऐसे नहीं पुकार सकते हेलो ओए, मत कर सकते हम। तो विजिट के जरिए हम उसको पता करें कि पैसे से सिक्योरिटी है, कोई मुझे ढूंढ रहा है, ठीक है, कोई से मैसेज दे रहा है, ठीक है ना। तो विजिट लामाज। चौथा एच एच एम डी, एच एच एम डी, कोई मुझे बोल सकता है, बता सकते हैं एच एच एम डी क्या चीज है? मशीन है। हाँ बताओ कौन सा? जो सर्चिंग करते हैं। देखिए अब हमें यह पता होना चाहिए एच एच एम डी हैल्ड मेटल डिटेक्टर, ये वो चीज है जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं हैंड माउंटेड डिटेक्टर मशीन, ठीक है ना। ये हमें किस टाइम हमें काम आता है? जब भी कोई गार्ड, हाँ, तलाश के दौरान कोई भी बंदा अंदर से, कोई भी व्यक्ति अंदर से बाहर से अंदर आया तो हम उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसके पास कोई मेल जैसे हम लाइक आयरन, ठीक है ना, कोई भी पिस्टल वगैरह उसके पास होगा किसी भी चीज का प्रकार का, तो इसे हमें पता चलता है। तो उस टाइम इसका जो लाइट होता है वहां पे, ठीक है ना, एक सारन बजता है, ठीक है ना, तो रेड लाइट होता है ताकि हमें पता चलता है कि ये बंदा अंदर आया, इसके पास कुछ कुछ आइटम है, ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए। चौथा डी एफ एम डी, पांचवा डी एफ एम डी, ये भी हमें पता होना चाहिए डी एफ एम डी। ये जो मशीन जो होता है कल की डेट में जब कहीं पे इलेक्शन होता है या कोई वीआईपी मूवमेंट होता है या कहीं भी, हाँ राइट, हाँ, या किसी भी स्टेडियम में कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है या किसी कोई हमें मतलब वीआईपी मोमेंट होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम होता है, वहां पर एक डोर लगा हुआ लाइक दरवाजे जैसे, ठीक है ना, एक डोर होता है, मशीन होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं डी एफ एम डी। ये हमें पता होना चाहिए डी एफ एम डी, ये क्या
डी क्या होता है डोर, एफ फ्रेम, एम डिटेक्टर या मिरर, ठीक है ना, डिटेक्टर। ये जो चार चीज है ये डी एफ एम डी डोर, वो डोर जैसे होता है, ठीक है ना, एफ फ्रेम, ठीक है ना, उसको बीच में फ्रेम होता है, उसी की जो भी अंदर से आता है बाहर जाता है वो इसी के बीच में जाता है, ठीक है ना, ये आप लोग सभी को पता होगा, ठीक है ना, जहां भी कॉलेज में या किसी जगह भर्ती होता है, चाहे पुलिस की बात करें हम या सीपीएफ या फोर्स की, ठीक है ना, तो अक्सर आप देखोगे कि इन पॉइंट पे, ठीक है ना, पिक पॉइंट पे होता है ये वाला डोर, ठीक है ना, जिसे उनको कोई दिक्कत अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पे जो तैनात बंदा होता है ड्यूटी, उनको खुद ही पता चलता है कि ये बंदा ठीक है या ये गलत है, ठीक है ना। चौथा पांचवा छठवा सातवा क्या है, यू वी एस एम, ये आपको पता होना चाहिए, यू वी एस एम, कोई मुझे बोल सकता है यू वी एस एम, यू वी एस एम आपकी जुबान पे है इस वक्त, हां नहीं, यू वी एस एम, जैसे ये वाला मशीन होता है वैसे ये होता है, बताओ मुझे, जो भी गाड़ी अंदर जाता है, ठीक है ना, उसके नीचे लगता है वो, राइट, और नीचे जो एग्जैक्टली, ठीक है ना, जो भी गाड़ी हम गाड़ी ने गाड़ी रुकाया, ठीक है ना, खिड़की खोला तो हमने देखा वहां में कुछ नहीं है, तो इसके जरिए हमें पूरा पता चलता है, ठीक है ना, मिरर मिरर होता है, ठीक है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए, यू वी एस एम, ठीक है ना। तो अब हम अंडर व्हीकल्स, सिर्फ सिर्फ मिरर, जो ये शीशा होता है एक मैट की तरह होता है, ठीक है, उसके बीच में लगा हुआ होता है, ठीक है ना, जो भी गाड़ी आती है इसके बीच में जाता है या इसके ऊपर जाता है, हमें खुद ही पता चलता है, खुद ही पता चलता है हमें, ठीक है ना, तो इसमें क्या चीज होता है या कहीं जगह पे क्या होता है, जैसे ट्राली होता है, ठीक है ना, वो हैंडमेड जो मैंने अभी बोला है, ठीक है ना, हम उसको भी यूज कर सकते हैं, नीचे से गाड़ी को नीचे लगाते हैं हम, जैसे वो ट्राली होता है जिसमें वो क्रेन वगैरह लगाते हैं, तो फिर ऊपर उसको हाइड हम करते हैं, वैसे उसको भी पता चलता है, उस हिसाब से हमें भी पता चलता है। और दूसरी बात क्या होता है, एक तरफ वो मैट होता है, ठीक है ना, हमें पता नहीं चलता जो मैट होता है ना, वो थोड़ा सा 5-7 इंच होता है, वो बड़ा होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका दो वर्जन आता है, जो ये वाला है ना मशीन वो हम हाथ में लग सकता है, दूसरा हम नीचे बिछा सकता है, एक है नीचे वाली जो जैसे राइट गाड़ी जो कंडे पर होती है, हाँ, तो सेटिंग होती है नीचे, एग्जैक्टली, तो ये कितना है आप, 1 2 3 4 5 6 गुड। साथ में क्या है हमारे पास, एक रजिस्ट्री भी होना चाहिए, रजिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, कोई भी बंदा अंदर से बाहर बाहर से अंदर, ये हमें पता चलना चाहिए, ठीक है ना, और रजिस्ट्री के साथ साथ एक पेन भी होना चाहिए, और पेन के साथ साथ जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी बटन या सिक्योरिटी स्टिक, लाठी डंडा डंडा, ठीक है ना, और उसके साथ साथ एक टॉर्च, सर्जिकल टॉर्च, ठीक है ना, अब कितना आइटम है, 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7 8 9 10 11, कम से कम 10 11, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15, ये चीज है, ये हमें पता होना चाहिए। कल की डेट में हमारा गेट पे अभी गार्ड है, ठीक है ना, इस गार्ड के पास ये वाला सामान होना चाहिए। वो दूसरी बात, कहीं पे होता है अवेलेबल, कहीं पे नहीं होता अवेलेबल, हमें क्या करना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अरे कल की डेट में मेरा कोई भी इंचार्ज, कोई भी जूनियर सीनियर, कहीं भी डिप्लॉयड हमने किया या किसी भी पोस्ट कहीं भी हुआ, तो उसको ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए, ज्वाइन करने से पहले जिसके पास ज्वाइनिंग लेटर होगा वहां पे या जिसके पास रिपोर्ट करना होगा उसको ये पता होना चाहिए कि सर मेरे पास ये इक्विपमेंट पहले होना चाहिए सर, उसके बाद में यहाँ पे ज्वाइन सर, वेट वेट वेट, ये पता होना चाहिए, ताकि ये जो गार्ड होता है इसको सबसे पहले अपने जॉब का पता होना चाहिए, मेरे पास ये आइटम होना चाहिए, क्योंकि उसके पास वहां पर हथियार नहीं होता है, हथियार के बाद उसके पास पेन होता है, ठीक है ना, ये जो पेन होता है ये हथियार से भी बड़ा होता है, ठीक है ना, अगर हम पेन को यूज कर सकते हो
आप वर्ल्ड को यूज मतलब क्या चैलेंज कर सकते आप, लेकिन जो हथियार से हम पूरा वर्ल्ड को हम बर्बाद कर सकते आप, क्योंकि हथियार और पेन में बहुत फर्क है, क्योंकि आज का जो पावर है वो पेन है। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सा आइटम होना चाहिए, कौन कौन सा इक्विपमेंट होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं भी कल के डेट में आपका यहाँ पे कल जॉब किया, किसी और जगह आपने ज्वाइन किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्वेश्चन बोलेंगे, मुझे ये चीज बताओ एक सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको अगर हमने यहाँ पे हायर किया, मुझे ये चीज बताओ क्या आपको कोई चीज जरूरत मत है। अक्सर गार्ड हो क्या होता है, मतलब क्या बोलते हैं वहां से, सर हाँ एक तो मेरा पोस्ट होना चाहिए यहाँ पर अच्छे से, क्योंकि अभी बारिश आने वाला है, ठीक है ना, बारह बारिश होता है, और दूसरा सर एक मुझे चेयर चाहिए, एक टेबल चाहिए, ठीक है ना, वो आदमी होता है वहां पे। लेकिन इन चीज का हमें पता नहीं होता है, ऐसे अगर हम सरप्राइज की बात में कहीं भी जाओ हर एक को पता नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि उनको बोला गया नहीं, ठीक है ना। और हमें कोशिश करना ये आगे से हमें पता होना चाहिए, कहीं भी कोई भी सवाल मुझे पहले ये बताओ सिक्योरिटी इक्विपमेंट। अब हमें ये भी पता होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म इक्विपमेंट, सिक्योरिटी गार्ड के यूनिफॉर्म क्या क्या होने चाहिए, ठीक है ना, लाइक टोपी कैप, ठीक है ना, शर्ट पैंट, सिक्योरिटी बेल्ट, सिक्योरिटी बेल्ट जिसको बोलते हैं ड्यूटी बेल्ट, ठीक है ना, या लाइन यार्ड, ये हमें पता होना चाहिए किस काम के लिए होता है, ठीक है ना, सिक्योरिटी बैच, ठीक है ना, या कंपनी ब्रोच, कंपनी किस कंपनी ने हायर इसको किया, किस कंपनी का है, ठीक है ना, और वो माता पे लिखा होना चाहिए उस टोपी पे हो, ठीक है, या बेल्ट कैप हो, ठीक है ना, उसको लिखना होना चाहिए, ठीक है, और शूज, ठीक है, और हमें ये भी पता होना चाहिए जैसे हम इसको बोलते थाई, ठीक है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए हमें पैंट कौन सा होना चाहिए, और थाई यहाँ पे क्या नाम है, ठीक है ना, मेरा शूज मैंने लगाया, मुझे नीचे कौन सा शूज लगाना है, शॉर्ट लगाना, हाफ लगाना, ये हमें पता होना चाहिए, कहीं भी मेरे लिए कौन कंफर्टेबल है, आप कोई भी चूज कर सकते, वहां पर बहुत सारे होता है, ठीक है ना, या मुझे पहले पैंट लगाना, पहले शर्ट लगाना, ठीक है ना, मुझे पहले टाई लगाना, कई बार आपका होटल में होगा ड्यूटी, तो मुझे टाई लगाना पहले या मुझे पैंट लगाना पहले, ये आपको पता होना चाहिए। और निकालने के टाइम पहले मुझे टोपी उतारना है, पहले मुझे बेल्ट खोलना है, या पहले मुझे पैंट निकालना है, या पहले हम बेल्ट खोलेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा टिप बोलूँ, क्योंकि ये टॉपिक आज मेरा नहीं है, जो मेरा टॉपिक था वो आज मेरा था सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स, क्योंकि हमारे पास क्या क्या हथियार होना चाहिए, लेकिन वो कल वो टाइप हम बताएंगे आपको। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अक्सर गार्ड वो क्या काम करता है, कहीं भी आप देखो जब भी आपको यूनिफॉर्म चेंज करना होता है, ठीक है ना, तो अक्सर आप लोग क्या काम करते आप जैकेट खोलते आप, अक्सर आप ये चेक भी करो, ठीक है, जैकेट के साथ वहां फेंकते आप। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इन मंथ सेकेंड टोपी बेल्ट आपने निकाला तो सिल्वर है, कितना भी बड़ा अक्षर हो ये जो, ठीक है ना, उसके बाद आपको ये कप्स वगैरह शर्ट, ठीक है ना, साइड में, उसके बाद पैंट, ये आपको पता होना चाहिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए ये बटन जो होता है वो कितना ऊपर होना चाहिए, कितना नीचे होना चाहिए, इन चीज को हमें पता होना चाहिए। हमें आपने इस तरह कैसे गोल करना है, फोल्ड कैसे करना है, वो कैसे उनको बिछाना है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे जॉब रिलेटेड होता है, ठीक है ना। आप ये बंद कीजिए।